इस वक्त कपास एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। फूलगुड़ी भी भरपूर है, टेंडे भी भरपूर आ रहे हैं और हमारे जो खिड़ाओं का अमल है, टेंडों के खुलने का जो अमल है वो भी तेज होता जा रहा है। लेकिन कुछ बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से फसल मुतासर जरूर हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं अवामिल के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कपास की बेहतर पैदावार के लिए किन किन चीज़ों पे, किन किन बातों पे अमल करें ताकि हमारी जो कपास की फी एकड़ पैदावार है वो बढ़े। जब कपास की फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी तो किसान हमारा खुशहाल होगा, और किसान खुशहाल होगा तो हमारे मुल्क में भी इसके असरात नजर आएंगे और तरक्की नजर आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला मैं वो बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कपास की बेहतर निगहदाश्त के हवाले से ये जो सिफारिशात हैं, ये एक हाई लेवल की टेक्निकल कमेटी है। वो हर 15 दिन का शेड्यूल जारी करती है, 15 दिन की हदायात जारी कर दी है। उन हदायात की रोशनी में मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ ताकि तमाम वो जो चीज़ें हैं वो हर काश्तकार तक उनकी एडवाइजरी जो है वो पहुँच सके। तो सबसे पहला काम है, बारिशों की वजह से जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा उगना शुरू हो जाती हैं। खास करके हिटसेट है, समाक है, मुख्तलिफ इस तरह की जड़ी बूटियां हैं वो बहुत बहुतात में हो जाती हैं। और जड़ी बूटियां जमीन से कपास की फसल में 13 से लेकर 43% तक नुकसान कर देती हैं। तो ये कोई छोटा मोटा नुकसान हमारा नहीं है, ये काफी बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से भी जड़ी बूटियां हम खत्म कर सकते हैं, गोडी करके खत्म कर सकते हैं या मतलब स्प्रे करके कर सकते हैं, तो हमें वो खत्म करनी चाहिए। नुकीले पत्तों का इतना मसला नहीं होता, वो उनके लिए हम कपास के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कोजिलोफॉप है वो अगर 500 ml आप स्प्रे कर दें, और या हलोक्सीफॉप है वो 350 ml अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो उससे वो नुकीले पत्तों वाली काफी हद तक जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं सिवाय डीले के। और जबकि चौड़े पत्तों वाली जो है, चिब्बड़ है या एडसेट है इस तरह की, या माकड़ू है, इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं ये हमारे लिए मसला बनती हैं। तो इसके लिए एक एडवाइस ये है कि अगर हमारी कपास का कद 2 सवा 2 फुट के करीब है और उसके नीचे जो लकड़ी है उसने कलर बदल लिया है, तो हम शील्ड लगा कर ग्लाइफोसेट जो दवाई है वो 1200 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए कोशिश करें कि आप नोजल जो है वो टी जेट या फ्लैट फैन इस्तेमाल करें ताकि वो उसका जो स्प्रे का जो सारा असर है, वो जो स्प्रे पड़ रहा है वो नीचे जड़ों में, मूढ़ों के ऊपर जो जड़ी बूटियां हैं उनके ऊपर जाए, पौधे के ऊपर ना जाने पाए। अगर जिस पौधे पर जाएगा वो पौधा भी खराब हो जाएगा और नुकसान होगा, वो पौधा सड़ना भी शुरू हो जाता है अगर सब हिस्से पे उसके दवाई चलेगी। तो ये 1200 ml मिलीलीटर फी एकड़ आप उसमें स्प्रे कर दें, उससे तमाम जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं और खेत हमारा साफ हो जाता है। अगर आप गोडी कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गोडी करके आप उसको खत्म कर लें, या मुख्तलिफ जो तरीकेकार हैं वो आप आसानी से अपना सकते हैं। अब अगली बात आती है रस चूसने वाले कीड़ों के हवाले से। तो जैसे बारिश होती है तो रस चूसने वाले कीड़ों में से जो सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है और जूं है, इनके में कुछ शिद्दत में कुछ कमी आती है, लेकिन बिल्कुल कम ये नहीं होते। तेला और गुलाबी सुंडी ये बढ़ते हैं। तो आप अपनी फसल पर नजर रखें, अगर आपको सफेद मक्खी, सब्ज तेला, थ्रिप्स ये कीड़े अपनी माशी हद से के करीब करीब या उससे ऊपर नजर आते हैं या उसके बराबर नजर आते हैं, तो आप मुनासिब जो कीड़े मार दवा है उसका स्प्रे करें। तो सफेद मक्खी के लिए मार्केट में फ्लोनिकामिड के नाम से मौजूद है, उसका अगर 80 ग्राम आप स्प्रे कर दें तो सफेद मक्खी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। इसके साथ फ्लोनिकामिड के साथ एबामेक्टिन का मिक्सचर मौजूद है, वो जो साथ साथ थ्रिप्स है उसको भी कवर करता है, सब्ज तेले को भी कवर करता है। जैसे मैंने बताया फ्लोनिकामिड, ये भी सब्ज तेले को कवर करता है। सब्ज तेले के लिए स्पेशल प्रोडक्ट डाई नोटिफोरान है, वो बड़ा अच्छे तरीके से कवर करता है। उसके बाद नाइटिन पैरम है, नाइटिन पैरम की मुख्तलिफ किस्में हैं, पाउडर वाला भी है, सवैया टाइप भी है और दानेदार भी मौजूद है, पानी वाला भी मौजूद है, मुख्तलिफ मौजूद है, ये बहुत अच्छा स्प्रे कवर करते हैं।
पेरीप्रॉक्सी फिन है वो सफेद मक्खी को बड़ा अच्छा कंट्रोल करती है, उसके अंडे बच्चों को बेप्रोफुजीन है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम अप्लाई करके अपनी फसल को इन कीड़ों से बचा सकते हैं। हाँ, अगर थ्रिप्स का मसला आ गया तो क्लोफेनपायर है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। सॉल्विगो के नाम से एक स्प्रे आया है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास स्प्रे मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। हमें उसके उनका जो तदारक है वो हमें मुनासिब वक्त पर कर लेना चाहिए। हाँ, स्प्रे के लिए जो नोजल है हमारी रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियों के लिए, वो हालोगन होनी चाहिए, एक सुराख वाली, जो जैसे अब आइसक्रीम की कोन होती है उसके दरम्यान में से वो खाली होती है और साइडों पे पानी जा रहा है, और जितना बारीक मिस्ट बना के आप स्प्रे करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप उसका रिजल्ट लेंगे। तो इसलिए पानी की मकदार जो है वो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए वो 120 तक 150 लीटर फी एकड़ होना चाहिए। यहाँ पे हमारे को जिम्मेदार हम एक मसला होता है तो वो मिक्सिंग सही नहीं कर पाते। तो मिक्सिंग के लिए मैं थोड़ा सा ये मशवरा दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है तो ये एक आपकी बोतल है जिसमें आप दवाई लेके आए हैं, तो इसको आप फिल कर लें, भर लें, या दूसरे नंबर पे इस तरह की कोई बोतल लेके उसको यहाँ से आप काट दें। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें, उसके बाद दवा इसमें शामिल, जो दवाई है वो इसमें शामिल करें। वो शामिल करने के बाद जब ये बाकी जो है वो आप पानी शामिल करके इसको मिक्स करें और एक लेवल पर निशान लगा लें जहां तक वो भर जाए, तो अब आपकी ये एक टैंकी के लिए दवाई बन गई। अब इस दवाई को दूसरे बर्तन में आप डालें, थोड़ा उसमें 7 कंटेनर इतने इतने जितने पे इसके आपने मार्क लगाया था, निशान लगाया था, तो 7 कंटेनर दूसरे उसमें डालें, ऊपर से ये दवाई डाल दें। इससे क्या होगा कि आपकी 8 टैंकियों की दवाई बन जाएगी, जो 20-20 लीटर वाली 8 टैंकियां आप लगा सकते हैं। 7 टैंकियां लगाना चाहें तो आप 7 कंटेनर बना लें, 6 को लगाना चाहें तो आप 6 कंटेनर बना लें। इस तरीके से होगा क्या कि तमाम खेत में एक जैसी हर टैंकी में दवाई जाएगी और खेत में यकसा उसका स्प्रे हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बचत हो जाती है कि हम स्प्रे जो है सही मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। अब अगली बात आती है कि स्प्रे को 7 दिन के वक्फे से रिपीट करते रहें, 7 से 10 दिन, इससे ज्यादा वक्फा ना दें, नहीं तो रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो अपना ज्यादा वो असर दिखाएंगे और कॉलोनी बन जाएगी। जैसे सफेद मक्खी की बनती है तो हमारे कपास जो है वो उल्ली लगना शुरू हो जाती है, जैसे छोटी मोल्ड कहते हैं, और उस वजह से वो काली होना शुरू हो जाती है। अब अगली जो बात है वो जैसे बारिशें होती हैं तो जमीन में पानी ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा होने की वजह से जमीन वत्तर पे ले बहुत देर बाद आती है, उस वजह से जो जड़ें हैं वो खुराक लेना, न्यूट्रिएंट लेना, वो पानी लेना नीचे से बंद कर देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो पीला होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल को निपटने के लिए आप 2 किलो यूरिया का जो स्प्रे है वो 100 लीटर पानी में हल करके वो अगर फसल के ऊपर कर देंगे तो उससे काफी हद तक हमारी जो फसल है वो इस स्ट्रेस से, इस पीलेपन से बच जाएगी और फसल दोबारा बहार होना शुरू हो जाएगी। और ये स्प्रे आप 7-8 दिन के वक्त से 2 स्प्रे आप इसके कर सकते हैं। तो अब अगली जो बात आई कि यूरिया को आधी बोरी या पौनी बोरी या एक बोरी फसल की नौइयत देखते हुए, अगर फूलगोभी कम है तो फिर आधी बोरी कर लें, अगर भरपूर फूलगोभी आ रही है और टेंडे बन रहे हैं तो आप पौनी बोरी तक कर सकते हैं, अगर इससे भी ज्यादा है तो आप पूरी बोरी तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप खादों का इस्तेमाल जो है वो इसको आप करें। कुछ जगहों पे हमें मसला आता है पत्ता मरोड़ वायरस का। पत्ता मरोड़ वायरस की अगर बात करें तो उसका फिलहाल कोई किसी किस्म का हल मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि हम पौधे को खुराक इस तरह की दें कि वो पौधा तेजी से बढ़ोतरी शुरू कर दे। जब तेजी से वो बढ़ोतरी शुरू करेगा तो वायरस के असर से वो काफी हद तक निकल जाता है। वायरस नहीं खत्म होती, बिल्कुल नहीं खत्म होती, वो उसके अंदर रहती है। डिटॉप भी किया करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग उसको इस तरह की खुराक अप्लाई करते हैं कि उससे वो जो है वो उस असर से निकलना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए छोटी सी एक मुहैया कि 15 दिन के वक्फे से आधी बोरी यूरिया आप इस्तेमाल करते रहें, 15 दिन का वक्फा हो ताकि उसको खाद उसको मिलती रहे और वो चलता रहे। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो 200 ग्राम,
जिंक सल्फेट 250 ग्राम, बोरिक एसिड 300 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम और इसमें अगर 2 किलोग्राम यूरिया आप शामिल कर लें और 100 लीटर पानी हो तो इसका अगर स्प्रे करें और जो हफ्ते 10 दिन के वक्त से दूसरा स्प्रे कर दें तो उससे काफ़ी हद तक वायरस ज़्यादा पौधों में ग्रोथ का जो अमल है वो बढ़ोतरी का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है और उससे हमारी जो फसल है वो वायरस के असर से काफ़ी हद तक निकल जाती है। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि वायरस का अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। ये वायरस जब आ जाती है नुकसान करती है बिल्कुल, लेकिन इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है, वो है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया कि 15 दिन के वक्फे से आप आधी बोरी यूरिया और उसके बाद जो 4 चीज़ें मैंने बताई, पोटाशियम नाइट्रेट 200, जिंक सल्फेट 250, बोरिक एसिड 300 और मैग्नीशियम सल्फेट 500 और यूरिया 2 किलो 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे कर दें। हाँ, इसके लिए जो आपने नोजल इस्तेमाल करनी है वो आप ज्यादा सुराखों वाली नोजल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम सॉलिड कोन कहते हैं, कि जहां जहां से भी वो जा रही है तमाम पौधे के ऊपर अच्छे तरीके से वो पानी डाल रही है ताकि उसमें फसल में जो है वो पानी ज्यादा जज़ब हो और उसके साथ खुराक भी जज़ब हो। हाँ, इसका जो स्प्रे का टाइम है वक्त है वो आप शाम के औकात में करें जब दर्जा रद कुछ कम हो और माहौल में नमी इतनी ज्यादा मौजूद हो कि वो पानी फौरन खुश्क ना हो जाए, कुछ देर पौधे के ऊपर रुके ताकि पौधे उसको जज़ब कर सकें। अब फसल को पानी लगाना, बारिश भी हुई है, ज़्यादा पानी है तो बारिश का बाहर निकालें अगर मुनासिब है तो, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बारिश को जो इस वक्त फसल को पानी की कमी आना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ना पानी की कमी आने दें और ना ही पानी वाफर मकदार में खड़ा होने दें। बाज काश्तकार ये बात करते हैं कि जनाब अब जो फसल है वो बढ़ोतरी ज्यादा कर रही है, इसको कुछ दिन पानी रोक दें ताकि इसमें वो दोबारा फूलगुटी की तरफ ज्यादा आ जाए और फूलगुटी ज्यादा है। ये अमल नहीं करना चाहिए। आप फसल को बराबर का वक्फे के साथ 7 से 10 दिन 15 दिन के वक्फे से पानी लगाते रहें, लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशेंट गोई है उसको मद्देनजर रखें, उसके मुताबिक आप इसका स्प्रे का जो शेड्यूल है वो आप पाशी का जो शेड्यूल है वो जारी रखें। बारिश का पानी ज्यादा देर खड़ा ना होने दे। अब जो पानी लगाना है आपने वो भी कोशिश करनी है कि वो शाम के औकात में लगाएं, सुबह के वक्त ना लगाएं, दोपहर के वक्त ना लगाएं, शाम के वक्त लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा देर उसको ठंडा मिल जाएगा तो उस वजह से वो फसल पे ज्यादा गर्म असरात नहीं बना डालेगा। सुबह तक वो पानी वैसे खुश्क हो जाएगा और वत्तर मौजूद होगा और फसल हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब एक मसला आता है जरासीमी झुलसाओ का। जरासीमी झुलसाओ में पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, झुलसाओ का अमला शुरू हो जाता है, पत्ते लाल सुरख होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, खड़े खड़े पौधे मुरझा जाते हैं, एक दिन ठीक होते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन वो पौधे बिल्कुल ही वो मुरझा जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं, रेड वेल्ट भी इसको कहा जाता है, मुख्तलिफ इसके नाम है। जरासीमी झुलसाओ बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और फंगस की वजह से भी, वो फंगल डिजीज है तो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे। तो इसके लिए आप क्या करें, स्ट्रिप्टोमाइसिन के नाम से एक इंजेक्शन मिलता है, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, उसके 100 ग्राम 100 लीटर पानी में हल करके आप स्प्रे कर दें तो वो खेत में जरासीमी झुलसाओ का जो मसला है वो काफी हद तक हल हो जाता है। अब पौधे का मुरझाना, जैसे मैं पहले बता रहा था वो झुलस जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं, बिल्कुल पूरा पौधा खड़े खड़े ही दूसरे दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके पत्ते पापड़ी सी बन के खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत में अगर कोई मसला हो तो थायोफिनेड मिथाइल 200 ग्राम फी 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे कर दें और बजरिया पानी 2 किलोग्राम सल्फर आप फ्लड कर दें, उससे भी क्या होगा कि वो जो झुलसाओ का अमल है वो कफ मुरझाओ का जो अमल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सॉरी, मैं मुरझाओ और झुलसाओ मिक्स कर गया, मुरझाओ का जो अमल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। करना क्या है, थायोफिनेड मिथाइल 200 ग्राम फी 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे करनी है और सल्फर जो है वो 80% WBW वेट बाय वेट बेसिस वाली जो है वो आपने 2 किलोग्राम बजरिया पानी फ्लड कर देनी। इसमें आप थोड़ा सा यूरिया भी शामिल कर सकते हैं, अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर रहते हैं, उसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है।
अब जहरों के वाले से बात ये जैसे पहले भी हुई, तो अब फिर थोड़ी सी मैं दोहराना चाहूंगा कि एक ही ग्रुप की जहरें बार बार नहीं करनी चाहिए। मुख्तलिफ मार्केट में हमारे पास चीजें मौजूद हैं, एक दफा एक ग्रुप इस्तेमाल किया, अगली दफा दूसरा, उसके बाद फिर पहला ग्रुप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कीड़ों मकोड़ों में कुव्वत मुदाफ़त नहीं पैदा होती वो, और उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर एक ही ग्रुप की जहरें इस्तेमाल बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे तो कीड़ों मकोड़ों में कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, और उस कुव्वत मुदाफ़त की वजह से जो कीड़े हैं वो फिर उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं होते, और हमारा कपास का माशी नुकसान करते हैं। कपास का नुकसान होता है तो हमारा काश्तकार का नुकसान होता है, और काश्तकार के नुकसान के साथ मुल्क का नुकसान जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि एक ही तरह की जो है जहरें वो बार बार ना करें। स्प्रे कोशिश करें कि सुबह करें या शाम के औकात में करें। स्प्रे के लिए पानी साफ सुथरा होना चाहिए, नाले वाला पानी इस्तेमाल ना करें। तालाब है, जहड़ है, या दरिया में से पानी ले रहे हैं, या किसी भी जगह से इस तरह का पानी ले रहे हैं वो इस्तेमाल ना करें। आप नलके से पानी ले सकते हैं, टूटी से ले सकते हैं, वाटर सप्लाई वाला जो पानी आ रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ऐसा इस तरह का पानी लेके इस्तेमाल करें, क्योंकि मट्टी वाले पानी की वजह से जो जड़ी बूटी जो दवाइयाँ हैं वो खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से मसला बनता है। तो जैसे नोजल की मैंने पहले बात कर दी कि नोजल भी अलग-अलग अलग-अलग इस्तेमाल करें। अगर हमारा मकसद है जड़ी बूटियां कंट्रोल करना तो हमें टी जेट या फ्लैट फन यूज करनी चाहिए। अगर अगर मस्जिद है मकसद है हमारा कीड़े मकोड़े और सुंडियां मारना तो फिर हमें हालों को इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर हमारा मकसद है बीमारी और खाद का स्प्रे करना तो फिर सॉलिड कॉन या जो ज्यादा सुराखों वाली है वो नोजल हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये तमाम काम हम कर लिए, अब हमारा जो पौधा है वो उसके टेंडे खिलना शुरू हो गए हैं, अब हमारे आउटपुट का काम वक्त है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी फसल हमने तैयार कर ली, सारे कार्य कर लिया, लेकिन अगर हमने चुनाई में एहतियात ना की तो हमारी सारी की सारी मेहनत जाया होने का खदशा है, या उसका कम से कम मुआवजा मिलेगा। तो करना क्या चाहिए कि जब 20% से ज्यादा टेंडे खिल जाएं उस वक्त हमें चुनाई करनी चाहिए, उससे पहले हमें चुनाई नहीं करनी चाहिए। चुनाई के लिए कोशिश करें कि जब शबनम खत्म हो जाए, उतर जाए, यानी कि दिन 9-10 बजे के बाद आप शुरू करें और शाम 4 बजे से पहले पहले उसको खत्म कर दें। चुनाई के लिए जो पौधे की चुनाई है वो नीचे से शुरू करें, इस तरीके से ऊपर की तरफ आए। ऊपर से बाजू का ये होता है जैसे खड़ा है, ऊपर से हम चुनाई करते नीचे जाते हैं, इससे वो सारी बूटी खराब हो जाती है। तो आप कोशिश करें पौधे को थोड़ा सा झुका के नीचे से उसकी चुनाई करते करते ऊपर ऊपर की तरफ आए, तो इससे ज्यादा अच्छा हो जाता है। साफ चुनाई पे जोर क्यों दे रहे हो? अगर हमारी चुनाई साफ होगी, सुथरी होगी और अच्छी होगी तो उसमें मार्केट में हमें दाम जो है वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे। मार्केट में अच्छी रुई का रेट आप देख लें 200-300 रुपया, 400 रुपया दूसरी रुई से ज्यादा ही होता है, कम कभी नहीं हुआ या बराबर कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम साफ चुनाई करें, पानी से ज्यादा बचाएं। जब आप चुनाई कर लें तो उसको खुश्क और सायादार जगह पर रखें। चुनाई के लिए सूती कपड़े की चादरें इस्तेमाल करें, जो चोनिया उसमें चुनाई कर रही हैं उनको भी तरजीहन सूती कपड़े पहने होने चाहिए, और सूती कपड़े की ही चादर इस्तेमाल करें। सर ढांपा होना चाहिए ताकि इंसानी जो बाल हैं वो रुई के अंदर शामिल ना हो, टॉफियों वगैरह के जो रैपर है वो शामिल ना हो, जो शॉपर वगैरह है वो शामिल ना हो, खोपड़ी कम से कम हो, संगली जो है वो कम से कम हो, और जब चुनाई हो जाए उसके बाद भी टाट वगैरह की बजाय सूती कपड़े की जो बड़ी बड़ी चादरें हों उन चादरों के अंदर बांधें, और जब उनको वहां से लेकर डेरे पे या डेरे से मार्केट की तरफ लेके आ रहे हैं तो उस वक्त भी आप जंग आलूद जो ट्रॉली है या जो भी आपका सोर्स है उस वो जंग आलूद नहीं होना चाहिए। उसमें कोई पेंट किया हो हल्का फुल्का पेंट कर दें, जो पक्का पेंट हो जो पानी के साथ या नमी के साथ उतरे ना, और या उसके अंदर सूती चादर इस तरह से पूरे कवर करके बिछा दें, और उसके ऊपर आप अगर उसको लेके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वो टाट के जो छोटे छोटे धागे हैं या सेबे हैं वो इस रुई के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि तो जब जिनिंग में ये जाते हैं तो ये छोटे छोटे जर्रे बन जाते हैं, और ये जर्रे जब धागा बनाने वाली फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे धागा बार बार ये टूटता है जिसमें इस तरह की मिलावट होती है। इसलिए कोशिश करें कि ये तमाम चीजों से बचें। आखिर में एक बात और मैं करूंगा कि
बारिशें हुई हैं, बारिशों का पानी 24 घंटे तक खड़ा रहे अगर खेत में, तो पौधे पौधे जो हैं वो हमारे वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, और अगर इससे ज़्यादा देर रहे यानी 48 घंटे तक रहे तो हमारे पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमने इतनी मेहनत कर ली, पौधे यहाँ तक ले आए, तो अब इसको मुरझाया जाए तो ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात तो नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खेत में से वाफर पानी फौरन निकालें। हाँ, अगर हमारे लिए फसला है कि हम कहीं खेत से पानी निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि खेत के एक रुख में लंबाई की तरफ आप 2 फुट बाय 2 फुट चौड़ाई की और 2 फुट गहराई की आप एक खाली बना दें, एक खाई बना दें, और तमाम पानी का रुख उस खाई की तरफ कर दें। उससे क्या होता होगा कि ये पानी जो है उस खाई में चला जाएगा, उस खाई में जाने की वजह से बाकी एकड़ पे जो पानी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये तमाम बातें मैंने करने का मकसद क्या था आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, ताकि आपको 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की जितनी भी क्रॉप के ऊपर मैनेजमेंट है उसके बारे में एक अजमाली सा खाका पेश कर दिया जाए, एक सरसरी सी नजर डाल दी जाए और आपको बता दिया जाए कि इन इन चीजों पे आपने नजर रखना है। तो एक दफा थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा नजर किस पे रखनी है, रस चूसने वाले कीड़ों और गुलाबी सुंडी पर। इसको इग्नोर नहीं करना, जैसे ही आपको मसला नजर आए तो आप उसने उसके मुताबिक स्प्रे करवा देना। दूसरा, नाइट्रोजन खाद की जो है वो अप्लाई करनी है, वो 2 किलो का स्प्रे कर सकते हैं, सल्फर 2 किलो आप नीचे से डाल सकते हैं, और आधी से एक बोरी तक हालात को देखते हुए, फसल को देखते हुए आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी फसल भरपूर पैदावार दे। मेरी दुआ है कि आप तमाम लोगों की जो फसल है, कपास की खासकर फसल है, जो भी आपने फसल लगाई हुई है, वो अल्लाह ताला उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और उसके साथ साथ हमारे और हमारे मुल्क की खैर करे और हमारे मुल्क में इसकी तरक्की हो, ताकि हम तमाम जो गरीब किसान हैं, काश्तकार हैं और आवाम है हमारी, उनको इसके समरात मिल सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के हवाले से आपको कमेंट्स करना चाहें, कोई बात करना चाहें, या किसी भी तरह का कोई भी और सवाल पूछना चाहें, तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके आप वो सवाल पूछ सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। मैं आपसे आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा ये चैनल जो है एग्री इन्फो, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो मालूमात है वो तमाम लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग तक भी पहुंच सकें और दूसरे लोगों को तक भी पहुंच सकें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद कोशिश करें कि बेल आइकॉन भी आप दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली नई अपडेट मौके टाइम पे और वक्त पे मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। बहुत शुक्रिया।